नमस्कार दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर दर्शकों जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई कार्यक्षेत्र और उनके हस्तियों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी कार्यक्षेत्र को सफल बनाया जा सकता है इसी क्रम में आज हम बात करेंगे महिला सौंदर्यकरण करेंग के महत्व के बारे में और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान श्रीमती ममता भटनागर जी जो कि एक विशेषज्ञ है और ब्यूटी कल्चरिस्ट है इसी क्षेत्र में काफी लंबे समय से आप जुड़ी हुई हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में मैम सबसे बारे में आप सबसे पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आपका जन्म शिक्षा दीक्षा और इस क्षेत्र में आना कैसे हो मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ वहीं मेरा जन्म सात मई उन्नीस को हुआ और मैं एक बहुत मिडल परिवार से थी और इंटर की शिक्षा के बाद में मैं दिल्ली आ गई और दिल्ली आने के बाद में उस समय के अंदर आज से चालीस साल पहले बहुत जल्दी शादियाँ कर दी जाती थी जी। और अलेवन्थ में थी जब मेरी अंगेजमेंट कर दी गई और बिफोर ग्रेजुएशन मेरी मैरिज कर दी गई और आई थिंक मैं उस समय में मुश्किल से बीस या इक्कीस साल की थी बिल्कुल घरेलू लड़की थी और राजस्थान के कल्चर में ढली हुई थी लेकिन मेरे हस्बैंड जो कि खुद एक डिस्लरी के अंदर जीएम की पोस्ट पे काम करते थे और एलएलबी भी थे साथ में ही तो धीरे धीरे जब हम लोग अपने परिवार से बाहर आए वहाँ में मोदी नगर एक जगह है यूपी के अंदर वहाँ मेरे हस्बैंड सेटल्ड थे जब मैं वहाँ रहने लगी तो धीरे धीरे करके मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अकेले घर के अंदर बोर हो जाती हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वो दोनों डॉक्टर थे और वो लोग भी अपने काम में बिजी रहते थे हम दो ही जने थे तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए लेकिन उस समय में आज से 40 साल पहले महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी कि हम घर से बाहर जाके काम कर सकें दूसरा मेरे हसबेंड के और मेरे परिवार के मदर लॉ फ दिमाग में ये था कि ये तो एक घरेलू लड़की है ये क्या कर सकती है तो उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कहा कि आप ऐसा करो घर में रह के जो काम कर सकती हो वो कर लो लेकिन घर से बाहर नहीं जाने देंगे बड़ी मुश्किल हुई मैं भी सोचती रही क्या करूं क्या करूं लेकिन शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा मेकअप का शौक था तो मैंने बोला कि भाई मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ लेकिन आज से चालीस साल पहले इतनी इनकम भी नहीं हुआ करती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक मिडिल क्लास से ही थे जी। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस विषय में मेरे फादर लॉ मदर लॉ भी क्योंकि डॉक्टर से थे तो उन्हें पता था कि ये एक साइंटिफिक तरीका है का भी तो वो लोग भी एग्री हो गए और मैंने इस काम को करना शुरू कर दिया जिस समय मैंने ये काम करना शुरू करा मोदी नगर के अंदर बहुत छोटा सा ब्यूटी क्लिनिक था जिसका नाम था मिंटो ब्यूटी क्लिनिक और वहां जब मैंने जाना शुरू किया धीरे धीरे करके क्योंकि एक बहुत छोटी उम्र थी तो थोड़ा घर के अंदर भी बंधन रहता था कि आपको ज्यादा बाहर नहीं जाना समय से घर वापस आना है घर के काम भी करने हैं लेकिन उस समय में मेरी मदिन लो ने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने छ महीने का कोर्स करने के बाद में जब मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया तो मेरी जो सिखाने वाली थी उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उन्होंने मुझे एज ए वर्कर वहाँ पे रख लिया लेकिन क्योंकि सर्विस करने का परमिशन नहीं था तो मैंने छः महीने तक घर में किसी को नहीं बताया कि मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ और यही बोला कि वे मैडम ने बोला है कि तुम्हें थोड़े दिन और काम करना पड़ेगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे फिर एक समय के बाद में कुछ ऐसे फंक्शंस घर में हुए तो मैंने बोला मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ तो मेरे फाजिल्ला बोले क्या दोगी तुम तो जब मैंने उन्हें अपनी मैडम से मिलवाया और उन्होंने बोला कि ये सब इसी का कमाया हुआ पैसा है तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने ये कहा कि बेटा अब तुम जो करना चाहती हो हम आपको आगे कराएंगे और उसके बाद में फिर एक समय के बाद मेरे हस्बैंड ने सोचा कि जब ये इतना कुछ कर रही है तो फिर मुझे उन्होंने बाहर जा कर के और कोर्सेज़ करने की सलाह दी जिसमें मैंने सबसे पहले सन नाइन्टी में शहनाज का कोर्स किया शहनाज से उनसे मैंने आपका प्यूटी ब्यूटी कल्चरिस्ट का सीखा मेहंदी लगाने का सीखा फिर उसके बाद प्राइवेट पॉइंट ब्लॉसम कोचर का ग्रेटर कैलाश में था मैं वहाँ जाती थी वहाँ पे मैंने हेयर कटिंग का एरोमाथेरेपी का मेकअप स्पेशलिस्ट का कोर्स किया फिर उसके बाद में मैंने जब मैं हबीब में थी शहनाज के यहाँ थी तो मुझे जो है वहाँ पर एक बार दुबई जाने का चांस मिला लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपका हेयर कटिंग में एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब मैंने हबीब का कोर्स ज्वाइन करा वहाँ भी मैंने तकरीबन साल भर का कोर्स किया फिर वहाँ से निकलने के बाद जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि ये हर चीज़ के अंदर आगे जा रही हैं फिर मैंने परमानेंट हेयर रिमूविंग एक ऐसी प्रॉब्लम थी महिलाओं के लिए जिसका कोर्स मैंने किया सन 92 में जबकि लोग इस विषय में जानते भी नहीं थे और मेरे फादर इन लॉ खुद डॉक्टर थे जब वो देखते थे कि मैं थर्मोलिसिस की निडल से स्किन से हेयर बाहर निकालती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर मुझे अपना एक ब्यूटी क्लिनिक भी बना के दिया और मोदी नगर के अंदर मैंने पच्चीस साल अपना ये काम किया और एक बहुत छोटी सी जगह में किया यानी कि मेरा रेजिडेंस था घर से बाहर जाने की मुझे परमिशन नहीं थी तो मैंने अपने स्टोर रूम के अंदर ही इस काम को शुरू किया और धीरे धीरे करके मैं वहाँ इतना हुई कि उसके बाद मैंने थ्री जीरो वन से भी अपना जो है इनर व्हील की मैं सेक्रेटरी रही जी। और उस काम को मैं करती चली गई मुझे नहीं पता लगा कि मेरा इतना लंबा सफ़र कैसे तय हुआ जिसके अंदर मेरे हस्बैंड की मेरे मदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ और जो मेरे गुरु रहे मैं उनका एहसान जब तक जिंदा रहूंगी जब तक करूंगी क्योंकि उंगली पकड़ने वाला माँ बाप को जन्म देने से ज्यादा बड़ा होता है जी जैसे कि आप एक लंबा अनुभव रखती हैं क्षेत्र में और काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं तकरीबन चालीस साल से जी जी तो आपके अनुभव के आधार पर आप शब्द को कैसे डिफाइन करेंगे कैसे परिभाषित करेंगे हमारे दर्शकों को जी हाँ सौंदर्यकरण से आपको जो है करने का एक तरीका ये हैगा कि हम हर चीज के अंदर आप देखिए महिलाएं घर के अंदर अगर एक बेडशीट भी बिछाती हैं तो उसे भी बहुत सलीके से बिछाती हैं अगर वो कोई मतलब ड्राइंग बना रही हैं तो उसे बड़े तरीके से बना रही हैं खाना अगर परोस रही हैं तो उसके अंदर भी वो आर्टिस्ट जरूर लगाती हैं कि मैं खाना इस तरीके से लगाऊं कि खाने वाले का मन करे।, मन करे तो इसी तरीके से जब मैंने ये देखा कि हम हर चीज के अंदर कर सकते हैं तो हमने और लेडीज के ऊपर भी इस काम को करना शुरू किया क्योंकि मैं तो ब्यूटी क्लिनिक का काम करती थी तो एक साधारण सी लड़की भी जिस समय मेरे पास आती थी कि मुझे ब्राइडल मेकअप कराना है या मुझे पार्टी मेकअप कराना है और उस साधारण सी लड़की को भी अगर मैं सलीके से मर्यादा के दायरे में रहते हुए तैयार करती थी तो लोग खुद कहते थे कि वाकई आपने इसको बिल्कुल बदल दिया जबकि कोई भी आर्टिस्ट आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि कुदरत की बनाई हुई चीज को बदल सके हम उस चीज के रंग के सहायता से या पहनावे के हिसाब से दिखा सकते हैं है। लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई मेरी नाक बहुत मोटी है इसे पतली कर दो देट इज नेवर ने वो कभी नहीं हो सकते सकता, हम सिर्फ कलर के द्वारा ही उस चीज को छुपा करके और आपके सामने उसको प्रस्तुत कर सकते हैं तो सौंदर्यकरण का सबसे बड़ा कारण तो यही रहा कुछ लोग इस चीज को गलत उसमें भी सोचते हैं लेकिन मैं ये सोचती हूं कि जो भी चीज अगर आप अपनी कला से अपनी जिसे कहना चाहिए भावना से कि मुझे इस चीज़ को ऐसे तैयार करना है तो वही चीज़ आप तैयार करेंगे और वही चीज़ आपको सुंदर भी लगेगी जी ठीक है तो उसके अंदर सौंदर्यकरण में यही नहीं होता कि आपने जो है अजीब कपड़े पहना दिए या बहुत ज़्यादा ग्लिटरी मेकअप कर दिया या आपने उसको दिखाया कि चार लोग बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी लग रही है वो भी एक मर्यादा के अंदर होना चाहिए कि हमने एक मर्यादित दायरे में रह करके अपनी खूबसूरती को निखारा और दूसरे के सामने उसको प्रस्तुत, प्रस्तुत के। आपने आर्टिस्ट एक शब्द की बात करी इसमें कल्चरिस्ट एक शब्द की इसके जी, बारे में मैं थोड़ा बताइए कि कैसे ब्यूटी के साथ आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन या कल्चरिस्ट शब्द जुड़ा है हाँ जी ब्यूटी कल्चरिस्ट शब्द इसलिए जुड़ा कि पहले लोग ज्यादातर ये कहते थे कि ब्यूटी पार्लर वाली आ गई दैट बहुत अजीब लगता था वो सुनना तो इसलिए धीरे धीरे करके साइंटिफिक वर्ड निकला जिसे हम कहते हैं ब्यूटी कल्चरिस्ट यानी कि ब्यूटी कल्चर ब्यूटी के अंदर जो भी चीज़ें गहराई में होती हैं उन सब चीज़ों को हम समझ सकें फिर चाहे वो मेकअप से संबंधित हो चाहे वो आपके कलर से संबंधित हो चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से संबंधित हो चाहे आपके हेयर से संबंधित हो और चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो तो ब्यूटी कल्चरिस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि हम जिस भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं उसको अंदर तक देखें कि इसका कलर कैसा है उसकी आइज़ का कलर कैसा है, है उसका पहनावे का कलर है उसके हेयर्स कैसे हैं या उसके अंदर कोई अगर ऐसी चीज हमें दिखाई दे रही है जिसे कि हम साइंस के द्वारा या अपनी नॉलेज के द्वारा छुपा सकते हैं तो उसको ब्यूटी कल्चरिस्ट कहा जाता है जी आ, आपने जैसे इनर और आउटर एक शब्द की बात की कि इनर आउटर तो हम संवार सकते हैं कई प्रोडक्ट्स हैं कई टेक्निक्स हैं टेक्नोलॉजी है हाँ, हाँ, लेकिन अगर इनर क्वालिटी पे काम करना हो वो भी एक तरह की ब्यूटी ही माना जाता है उस पे काम करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं जरूरी ब्यूटी कल्चरिस्ट के अंदर इनर पार्ट को अगर आपको करना तो उसके अंदर सबसे पहले आपको आता है कि आपकी डाइट, डाइट। आप कैसा खाना खा रहे हैं आपने देखा होगा यंग लड़कियों को ज्यादातर पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है जी। आती है आपने देखा होगा या जो बहुत मिडिल एज की लेडीज होती है उनको पिगमेंटेशन की झाइयों की प्रॉब्लम आ जाती है एक एज के बाद मेचोरिटी के अंदर आने के बाद में देखिए एज को छुपा को ही नहीं सकता लेकिन हम उसका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं तो अगर रिंकल्स आ जाते हैं तो हम उनको एक सीमा तक हम उन्हें रोक सकते हैं और उसको रोकने के लिए सिर्फ बाहरी तरीका ही नहीं हमें आंतरिक तरीका भी देखना पड़ता है जिन यंग बच्चों को पिंपल्स आ जाते हैं तो आप उसके ऊपर स्किन पे कितना भी आप ट्रीटमेंट करिए कोई भी आप केमिकल लगाइए कोई भी चीज करिए वो आपको ज्यादा से ज्यादा एक से दो महीने का असर दिखाएगी उसके बाद में वो फिर दोबारा डेवलप हो जाती है तो उसके लिए हम उन लोगों को बताते हैं कि आप अपनी डाइट चेंज कीजिए जैसे जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उन्हीं के पर पिंपल्स आते हैं तो हम लोगों को ये बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना मत खाइए ठीक है जिससे एसिडिटी डेवलप होती है दूसरा कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए कब्ज नहीं होना चाहिए उससे भी हमारी बॉडी के ऊपर आपके जो है पिंपल्स आ जाते हैं कुछ लेडीज की मैं प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी हमें क्योर करना पड़ता है उसके लिए कुछ चीज़ें क्योंकि हम डॉक्टर फील्ड से तो हैं नहीं लेकिन हम फिर भी उनको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिससे आप जो है उसको अपना साइकिल को ठीक कर सकें और अंदरूनी तौर पर हम पिम्पल्स को सिर्फ इसी तरीके से खत्म कर सकते हैं अब आती है आपकी जैसे पिगमेंटेशन झाइयों की झाइयों की मेन प्रॉब्लम आती है कि हमारी स्किन के ऊपर जो बोन एरियाज होते हैं लेडीज के उनके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं अब उनको ट्रीट करने के लिए हम कितना भी ऊपर से कोई चीज लगा की कमी की वजह से भी जी हाँ।, है। हाँ।, हाँ और जो आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स पड़ते हैं वो हमेशा आयरन की डेफिशिएंसी से पड़ते हैं जब हमारे ब्लड के अंदर खून की कमी हो जाती है तभी स्किन के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपकी उंगली किसी भी दरवाजे में या किसी चीज में आ जाती है तो वहां पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाता है उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वो वहाँ पे क्लॉट हो जाता है एक जगह पे आके जम जाता है और इसीलिए वो जो है ब्लैक स्पॉट बना लेता है लेकिन हमारी जो फेस के अंदर नर्व्स होती हैं नसें होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं और जब हमारी बॉडी के अंदर एक आयरन ही एक ऐसा वो है जो कि हमारे ब्लड को थिन बनाता है जो कि बारीक वेंस के अंदर से भी फ्लो करता है और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो वो वहाँ से फ्लो नहीं करेगा और धीरे धीरे वहाँ पे पैचिस बनने शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए हम उनको बहुत से होम रेमेडीज भी बताते हैं होम ट्रीटमेंट्स भी बताते हैं और उसी के साथ साथ में कुछ मेडिकल सलाह भी देते हैं ताकि उनके जो फेस के ऊपर पिगमेंटेशंस आ गए हैं वो खत्म हो सके खत्म हो सके आपने आ, इसमें करियर एक कोर्सेज की बात करी आपने जितने भी इसमें कोर्स किए आज के दौर में आज के समय में किस तरह के कोर्सेज करियर अपॉर्चुनिटीज या जी जी टेक्निकल चीजें इस कोर्स में है या इससे संबंधित है जो कि एक आ, अपकमिंग आर्टिस्ट को या किसी को सौंदर्यकरण का विशेषज्ञ बनना है स्पेशलिस्ट बनना है जी, तो जी। उसको करने के लिए उपलब्ध है देखिए सर जब हम किसी भी चीज को करियर बनाते हैं तो उसके लिए हमें उसके अंदर डीप नॉलेज होनी चाहिए जी और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि हमारे इस कैरियर के अंदर ब्यूटी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप सिंपली ग्रेजुएट भी हैं इंटर भी हैं तब भी आप जो है उस कोर्स को बड़े आराम से कर सकते हैं बशर्ते आपके अंदर सीखने की इच्छा हो आप उस चीज को करना चाहते हो क्योंकि कभी कभी लोग शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं तो वो कभी डेवलप नहीं होते उसके लिए आपके अंदर सबसे बड़ी लगन होनी चाहिए आपके अंदर एक कैरियर का एक विजन होना चाहिए कि मुझे ब्यूटी कल्चरिस्ट ही बनना है जी। तो उसके लिए शुरू से ही आपको कोर्स करने पड़ते हैं और उन कोर्सों के लिए मैं ये नहीं कहती कि जैसे मैंने करा 40 साल पहले मुझे तो इतनी आजादी नहीं थी या मेरे हस्बैंड को इतना मेरे पे विश्वास नहीं था कि वो मेरे ऊपर पचास हजार रुपए खर्च कर सकते जी नहीं कर सकते थे तो इसीलिए जब भी आप किसी भी करियर को चुनते हैं तो उसे छोटी स्टेज से शुरू करिए और तभी आप हायर पे जा पाएंगे अगर आप सोचते हैं कि मैं एकदम से ऊपर पहुंच जाऊं तो वो आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि जहां भी आप लोग रहते हैं छोटे इंस्टीट्यूट से आप उस कोर्स को करिए साल छह महीने का कोर्स कीजिए उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस के बाद में फिर अगर आपको लगता है कि क्योंकि इस ब्यूटी के अंदर भी कई फील्ड है जैसे आपका हेयर डिपार्टमेंट है स्किन डिपार्टमेंट है मेकअप डिपार्टमेंट है उसके बाद में आपका वैज्ञानिक एडवांस में है आपका जिसमें कहना चाहिए आपका कि होम रेमेडीज के द्वारा या आपके नए जो जितने भी कॉस्मेटिक्स आए हैं उसके द्वारा हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं हेयर के अंदर भी आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं हेयर कलरिंग है हेयर टिंटिंग है हेयर आपका डाई है हेयर सेटिंग है सो मैनी प्रोडक्ट ये बहुत बड़ा रेंज है इसको अगर मैं आपको यहाँ बताने लगूंगी तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा इसीलिए अगर आपने अपने दिमाग में ये सोचा कि मुझे ब्यूटी कल्चरिस्ट के अंदर सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट बनना है तो आप सिर्फ उसी काम को करिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं हेयर में जाना चाहता हूँ तो हेयर की एकेडमीज भी बहुत हैं और हेयर डिपार्टमेंट भी अलग है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज के समय में ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि जिनके सिर पे एक भी बाल नहीं होता उसके भी बाल बना लगा दिए जाते हैं उसकी ऐसी टेक्निक है कि वो हेयर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं हेयर एक्सटेंशन लगा दिए जाते हैं हेयर बढ़ा दिए जाते हैं तो ये सब टेक्निक के लिए फिर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है जो कि हमारे बहुत अच्छी बात है कि अब हमारी इंडिया के अंदर इस तरह की चीजें बहुत है हुँ, हुँ. आप हर अकेडमी में जा सकते हैं और जो भी आप करना चाहते हैं स्किन से करिए या हेयर से करिए या आप डाइटिशियन से करिए या आप जो है आप ये चाहते हैं कि मैं एक इंस्टीट्यूट ही खोलना चाहती हूँ तो उससे भी संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप बाहर जाके सीख सकते हैं जी आपने लगन की एक बात करी थी कि लगन एक बहुत बड़ी इसमें इंस्पिरेशन है या मोटिवेशन रहेगा आपके अगर आपको आगे बढ़ना है और किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी विशेषज्ञ में आ, किसी भी एक्सपर्ट में कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन बन सके जी उसके लिए सर मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और दूसरी बात उसकी ऐसा नेचर होना चाहिए कि आप जिससे भी मिलें वो आपके जाने के बाद में आपकी तारीफ करे और आपका बोलने का तरीका ऐसा हो कि जो भी आप बोल रहे हैं वो सामने वाला उस चीज पे बिलीव कर सके कि ये जो कह रही हैं ये बिल्कुल सही कह सही रही है, है।, है और आपको ताजुब होगा सर मैं तो सिंपली ग्रेजुएट हूँ मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मेरा 25 साल का इसमें एक्सपीरियंस होने की वजह से मैंने जिस समय में अपना ब्यूटी क्लिनिक चलाया और मैंने अगर किसी को ये बोला कि आप अपना मिरर में फेस देख लीजिए तो उन्होंने कभी अपना फेस नहीं देखा वो कहते मैडम आपने कर दिया दैट्स फाइनल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसके बाद में फिर यह भी है कि एक लगन थी मुझे कि मैं ये चाहती थी कि समाज के अंदर मुझे अपने हस्बैंड के नाम से नहीं मुझे अपने नाम से लोग जाने और मैं सबसे यही कहूंगी लगन का मतलब सिर्फ यही हैगा कि ये नहीं है कि आपने घर का काम नहीं किया आपने किसी की सेवा नहीं करी आपने कहा कि मुझे तो बस ये काम करना है तो मैं इसी में रहूंगी लेकिन अच्छी एक जो कहना चाहिए जो कि कैरियर लेडीज होती हैं उनको दोनों ही तरफ से अपने आप को संभाल के रखना चाहिए कि घर भी चलता रहे

अब जेंट्स भी इस काम के अंदर इंटरेस्ट लेने लगे हैं ले, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं अब हमारे यहाँ आजकल मीडिया का जमाना है जेंट्स लोग भी इसमें काम करते हैं लेडीज भी काम करती हैं तो जेंट्स को भी लगता है कि चलिए अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम भी लेडीज का काम आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर हबीब हैं ही इज़ माई टीचर उन्होंने बहुत अच्छा मुझे टीच करा और उनका कैरियर देख के मैं ये समझती हूँ कि जेंट्स भी अगर चाहें तो इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं और बड़े आराम से अपना एक कैरियर बना सकते हैं बाकी ये है कि अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये देखो ये लेडीज का काम कर रहा है तो अगर उसमें लगन होगी तो वो उस चीज़ को नहीं सुनेगा जी तो जेंट्स भी इस काम को बड़े आराम से कर लेंगे मुझे इस चीज़ को सुन के बड़ी खुशी होती है आज के समय में कि हमारे समय में अगर कोई जेंट्स ब्यूटी पार्लर में आ जाता था या कोई ब्यूटी इंस्टीट्यूट में आ जाता था तो हमारी टीचर गार्ड से बाहर निकलवा देती थी लेकिन आज जितने मेरे टीचर्स रहे उसमें अंदर भी जेंट्स रहे और अभी जो जेंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं यही कहती हूँ कि जब आदमी कोई बिजनेस करता है कोई कैरियर चुनता है तो उसमें ये डिवाइड नहीं होना चाहिए कि ये लेडीज के लिए है और ये जेंट्स के लिए बिल्कुल आज के दौर में बात आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस होना चाहिए चाहे वो किसी भी फील्ड का हो लेकिन वो एक मर्यादित दायरे में होना चाहिए इसमें महिला सशक्तिकरण की एक राह भी मुझे दिख रही है कि किस तरीके से आप जैसे बता रहे हैं कि आपने घर में रहते हुए इस करियर को चुनाव पढ़ाई भी करी तो कितना आसान या कितना मुश्किल है किसी महिला के लिए अपने आपको एम्पावर करने के लिए अपने आपको एक फ्यूचर देने के लिए इंडिपेंडेंसी या जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस के लिए इस तरह पे आप बताइए हमें हम देखिए ऐसा है कि जब लेडीज कोई भी काम करती है ना स्त्री के लिए ये कहा जाता है कि जब वो कोई चीज ठान लेती है तो उसे करे बिना पीछे नहीं हटती जी ठीक है तो जब हमें ये सोच लेती है लेडीज़ कि हमें ये काम करना है हाँ जी। तो वो हर तरह के माहौल को हर तरह के समस्याओं को अपने आप सुलझा लेती हैं और करना भी चाहिए इन्हें जैसे कि अब कोई महिला ये काम करना चाह रही है बशर्ते तो ये होता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो नेचुरल है कि वो भी ये चाहेगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला थोड़ा नहीं सौ में से अगर आप ट्वेंटी परसेंट भी अगर अपने हस्बैंड का साथ देते हैं हाँ तो मैं ये समझती हूँ कि उस लेडी का जीवन कामयाब है जी। है ना और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप घर में रह करके अपने हस्बैंड के साथ दे सकते हैं अपने परिवार को चला सकती हैं मैं आपको जिस समय सन जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ था सर जी। उस समय मैं इनर व्हील की सेक्रेटरी थी नाइन्टी नाइन तो आप ये देखिए कि मुझसे क्वेश्चन किया गया किसी ने पूछा कि क्योंकि मैं इनर व्हील की सेक्रेटरी थी तो मुझसे किसी ने पूछा कि जब आप इतना बड़ा काम कर रही हैं आपके हस्बैंड भी अच्छी जॉब में है तो आप जो लोग शहीद हो गए उनके लिए क्या करेंगे hmm. अब नेचुरल बात है कि सर मैं भी एक मिडिल क्लास से थी तो मैंने कहा मैं पैसे से तो किसी का भी कोई भी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ कि जो लोग शहीद हो गए उनके घरों में अगर उनकी बहन बेटियाँ हैं तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स कराऊंगी और उन्हें जो है एक कैरियर दूंगी ये नहीं कि जिंदगी भर आज चाचा से पैसे लिए आज नाना से लिए आज भाई से लिए किसी से लिए वो खुद जो है अपना कैरियर खुद बना सकें और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है सर कि मैंने उस पीरियड के अंदर अट्ठारह लेडीज़ को ये कोर्स सिखाया और आज ईश्वर की दया से सभी लोग अपने अपने कैरियर में

मैं ये नहीं कहती कि जिसके घर में भुखमरी है वही औरत काम करे। जी। मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी समाज में भी एक जगह बना सके और अपने फैमिली का भी साथ दे सके और समाज में अपने हस्बैंड अपने फादर अपने किसी और के नाम से जानने की बजाय वो खुद अपने नाम से जानी जाए तो सामाजिक दायरे के अंदर अब औरत वो नहीं रही सर कि आपने डांटा और वो कमरे में बैठ के रोने लगी अब पहले पढ़ाई लिखी पढ हो गई हैं दूसरा वो खुद अपना अच्छा बुरा समझती है और समाज में अपनी एक जगह बनाने का मैं ये समझती हूँ आज के समय में पुरुषों में भी बहुत बदलाव आया है उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड हैं वो आज भी ये कहते हैं कि जब मुझे कोई ये कहता है क्योंकि मेरे ब्यूटी क्लिनिक का नाम दर्पण था सर और मेरे हस्बैंड का नाम है देवेंद्र कुमार भटनागर तो लोग ये सोचते थे कि इनके हस्बैंड का नाम दर्पण है मेरे यहाँ पर बिल जो आते थे वो भी भटना देव दर्पण के नाम से आते थे और लोग ये कहते थे कि आपके हस्बैंड का नाम दर्पण है तो मेरे हस्बैंड को बजाय जेलस होने के वो बहुत खुश होते थे कि चलो कम से कम तुमने एक घरेलू लेडी होते हुए भी ये साबित कर दिया कि अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है और आपने वो साबित भी किया आप अपने अनुभव के आधार पे जितना लंबा आपको अनुभव है क्या बदलाव आपने देखे हैं इस क्षेत्र में खास करके टेक्नोलॉजी और साइंस को मैं रखना चाहूँगा कि उसमें कई तौर पे बदलाव आए होंगे अब अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमें बताइए देखिए सर जिस समय मैंने शुरू करा था उस समय हर चीज़ें मैनुअल थी किसी भी तरीके की कोई टेक्निक नहीं थी उस समय ना कंप्यूटर था ना एडवांस मेकअप थे कुछ नहीं था सिंपली होता था कि मेकअप के अंदर भी बहुत लिमिटेड कॉस्मेटिक्स होते थे जी। बालों के अंदर भी सेम वही एक सीजर एक कंगा और एक ड्रायर उसकी अदरवाइज बहुत कम चीजें होती थी लेकिन मैंने धीरे धीरे ये महसूस किया जब मैं आगे नए कोर्स करने जाती थी मेरा आगे कोर्स करने का मतलब यही रहता था कि जो नई टेक्निक्स आ रही हैं मैं उन्हें भी सीख सकूँ तो मैंने धीरे धीरे करके वहाँ ये देखा कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में चेंज हो गई जो चीज़ हम हाथ से करते थे आजकल वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आ गई जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ है आईब्रोज आईब्रोज हम लोग थ्रेडिंग से बनाते थे उसके बाद थोड़ा सा और आया तो हम लोगों ने वैक्स शुरू करा उससे थोड़ा सा और आगे आए तो अब आजकल जो है आपका आईब्रो एप्लीकेटर आ गया है आप घर में बैठ के उससे आप यूज़ कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि धागे से और इलेक्ट्रॉनिक पे आना ये कोई एक बहुत मामूली चीज नहीं है सर उसके बाद हम कलर ब्लेंडिंग करते थे स्किन के ऊपर तो उसके लिए हमें खुद हाथ पे लगा लगा के देखना पड़ता था कि ये कैसा चल रहा है लेकिन आजकल आप कंप्यूटर से आप चेक करिए कलर मिलाइए और आप अप्लाई कर दीजिए कुछ रेडीमेड कॉस्मेटिक्स ऐसे आ गए हैं कि आप जो मेकअप में एक घंटे में ब्राइट का करती थी आज के समय में लेटेस्ट में अभी कुछ ही दिन पहले मैंने किया सर फोर्टी मिनट्स में मैंने ब्राइट तैयार कर दी एवरीथिंग इज रेडीमेड कोई भी चीज अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है हेयर्स का था परमानेंट हेयर रिमूविंग का आया बहुत बड़ा बदलाव एक हमारे ब्यूटी के उसमें आया कि पहले जो है वैक्सिंग करी जाती थी फिर उसके बाद में हॉट वैक्स आई फिर कोल्ड वैक्स आई फिर उसके बाद में थर्मोलिसिस आया थर्मोलिसिस भी बहुत अच्छी चीज थी लेकिन सम पेनफुल होल टाइम के लिए वो रिमूव हो जाते हैं और मैं आया मैं सिंगल लेडी ने उत्तराखंड I am beauty and thermologist also. जी। जी। तो 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 उससे आपका जब एक 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 बार एट के अंदर हम कर देते हैं, तो वो फिर whole life दुबारा नहीं आता। जी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि आपने एक कुदरत की अगेंस्ट लड़ाई लड़ी कि जो चीज कुदरत ने हमें दी थी उसे हमने होल लाइफ के लिए फिनिश कर दिया। जी। तो ये बहुत बड़ा एक साइंस का बदलाव था अब हेयर कटिंग के अंदर है हम कलरिंग करते थे डाई करते थे उसके अंदर कलर मिलाने पड़ते थे आजकल हर चीज रेडीमेड आ गई केमिकल्स आ गए जिन केमिकल्स के हमें नॉलेज नहीं थी लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चे करना चाह रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इसके बारे में के बारे, केमिकल्स के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होना नॉलेज होना जरूरी, जरूरी है।, है लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सर जी तो मैं ये समझती कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर एक काम को करते हैं तो फिर उसके लिए आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है खुद ब खुद चीजें अपने आप सामने आ जाती जी आपने प्रैक्टिस की बात करी पर उसकी बात करी तो आने वाले समय में किस तरह के आप जो युवक युवती या जो भी नए लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं इसको करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या आप एक सीख देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पे या आपने जो समय देखा है बदलते हुए उसके जी आधार जी पे कि आप इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा रखिए पढ़ाई पे ज़्यादा रखिए प्रैक्टिस पे रखिए या नॉलेजेबल रहिए अपडेट रहिए अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है जी जी इसके बारे में तो देखिए जो लोग इस काम को मैं तो सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो समय निकाल दिया वो निकल गया लेकिन आगे आने वाला समय बहुत ज़्यादा एडवांस है और जो भी बच्चे इस कोर्स को कर रहे हैं जी। वो हमेशा ये देखें कि कौन सी नई चीज हमारे इस फील्ड के अंदर आ रही है उसकी नॉलेज होना उन्हें बहुत जरूरी है उसके लिए आप समय समय पे आजकल तो बहुत बढ़िया है यूट्यूब से आप देख सकते हैं टीवी पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे सेट हमें करनी है गूगल से आप सर्च कर सकते हैं हम लोगों के समय में तो वो चीज़ नहीं थी और आज भी शायद मुझे उस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आने वाले बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं ये समझती हूँ सर कि अगर कोई भी इस फील्ड के अंदर आता है तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकता उसकी कामयाबी हंड्रेड परसेंट निश्चित है अगर वो लगन से और समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करके इस काम को करता है जी अंत में मैं आपसे एक लाइन में टिप लेना चाहूँगा सौंदर्यकरण से संबंधित सभी दर्शकों के लिए सभी देखने वालों के लिए कि कैसा कोई एक लाइन अगर कोई एक टिप आप देना चाहें जिससे कि हम अपने मन का सौंदर्य भी बढ़ा सकें और जी, जी। जो फिजिकल है अपीरेंस वो भी बेटर हो देखिए सौंदर्य के अंदर तो आप मेकअप करके अपने आप को बिल्कुल बदल सकते हैं जी। लेकिन भाषा को और व्यवहार को आप कभी नहीं बदल सकते इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहने चाहे हमारे देसी कपड़े पहने किसी भी वे में आप अपने आप को ड्रेसअप करें किसी भी तरीके से आप अपने आप को मेकअप करें लेकिन आपका जो बोलने का लहजा है बोलने का तरीका है अपनी मातृभाषा है इसे आप कभी ना भूलें चाहे आप कहीं भी जाते हैं आपको अपनी भाषा नहीं भूलनी अपना व्यवहार नहीं भूलना अगर आप कामयाब महिला वही है जो कि आपके जाने के बाद में लोग ये कहें कि भाई उस लोग से दोबारा हमें मिलना है ऐसा ना हो कि वो कहे भाई ठीक है आप एक बार आ गए आज के बाद हम इनसे नहीं मिलना चाहते तो आप अपने व्यक्तित्व से व्यक्तित्व के अंदर सर आप एकदम से किसी के साथ सिर्फ आप बोलचाल से ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने का और इतनी सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है अगले अंग में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार